स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की गुरु सीरीज में, जिसमें हम यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है 14 मई को, उसके लिए लेकर आते हैं सबसे संभावित 15 प्रश्न। और आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चित नमस्ते योजना का संबंध किससे है? तो नमस्ते योजना हाल ही में चर्चा में थी, NAMASTE, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो यानी कि जो सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई होती है, वहां पे मैकेनिज्म यानी यंत्रीकरण का प्रयोग करना है। तो ये हाल ही में योजना चर्चा में थी, क्योंकि इस बार का जो हमारा बजट आया है, उस बजट में इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए की बात की गई है। तो 1000 करोड़ की बात की गई है, तो ये योजना भी महत्वपूर्ण है। और इसमें शून्य मृत्यु दर को प्राप्त करना लक्ष्य रखा गया है, कि जो भी सफाई कर्मचारी अभी तक मृत्यु का शिकार हुए हैं या अन्य यंत्रीकरण ना होने की वजह से मैनुअली उसको साफ करते थे सीवर टैंक या सेप्टिक टैंक को, तो वहां पे जो मृत्यु हुई है उनको समाप्त करना है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ये स्कीम है। इसके अलावा इसमें एक और मंत्रालय भी साथ में है, वो है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। तो अगर एक ही पूछा जाता है तो आपको ये करना है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक अधिकारिता और सशक्तिकरण मंत्रालय, या आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। ये दोनों मंत्रालय ये इसमें इंक्लूड हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा शहरों में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई का यंत्रीकरण। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित महिलाओं के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म आपको बताना है। तो पहला है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर, नाम जरूर याद रखिएगा, लक्ष्मी सिंह, उत्तर प्रदेश की हैं ये, और इनको फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर यूपी नोएडा में नियुक्त किया गया था। तो ये उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और प्रथम महिला पुलिस कमिश्नर है अभी तक यूपी की, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरा, यूएसए की प्रथम महिला सिख न्यायाधीश कौन है? मनप्रीत मोनिका सिंह, ये मनप्रीत मोनिका सिंह है। ये फोटो आपने सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, देखा भी होगा। तो ये बिकम्स फर्स्ट फीमेल सिख जज इन यूएस, अमेरिका में। तो अमेरिका में कोई भी ऐसा भारतीय कुछ बड़ा करता है, या ब्रिटेन में कोई भारतीय कुछ बड़ा करता है, तो हमेशा एक प्रश्न का विषय रहता है। तो यहाँ पे ये दोनों प्रश्न आपसे बन सकते हैं, तो ये दोनों ही सही सुमेलित हैं। नाम जरूर याद रखिएगा, लक्ष्मी सिंह और मनप्रीत मोनिका सिंह, दोनों सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में जन्मी गिर नस्ल की पहली क्लोन बछिया है। तो कई बार ये प्रश्न आया भी है कि हरियाणा में जो अन्य बछड़े पैदा हुए या भैंस के क्लोन बनाए गए, उनके बारे में, गरिमा के बारे में क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो यहाँ पे ये याद रखना होगा कि अभी जो गिर नस्ल की पहली बछिया क्लोन करके पैदा हुई है, उसका नाम रखा गया गंगा। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा, इस बार परीक्षा में ये पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न वीमेन प्रीमियर लीग WPL की पहली विजेता टीम कौन सी बनी है? तो मुंबई इंडियंस ये पहली विजेता टीम बनी है, जिसने 2023 का जो पहला वुमेन प्रीमियर लीग हुआ था, WPL हुआ था, टाटा के द्वारा जो प्रायोजित था, उसको जीता है, तो मुंबई इंडियंस। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जिसको पहले क्या कहा जाता था, इसको पहले कहा जाता था ब्रिक्स बैंक, जिसका नाम बाद में बदलकर कर दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। तो ये जो है इसकी जो प्रमुख है वो डेल्मा रूसेफ बनी। तो पहले प्रमुख कौन थे, अभी पूछा जाता है, तो फर्स्ट जो थे वो भारतीय थे, इसलिए महत्वपूर्ण है, केवी कामत। तो केवी कामत थे 5 साल के लिए, उसके बाद में मार्कोस ट्राइजो बने थे, और मार्कोस ट्राइजो के बाद में अब डेल्मा रूसेफ। तो ये पहले, ये दूसरे और ये तीसरी हैं। हालांकि ये पहले ब्राजील की राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं, इनको कुछ कारणों से वहां पे पद से हटा दिया गया था, भ्रष्टाचार संबंधी और अनियमितता संबंधी आरोप लगे थे, लेकिन बाद में बरी कर दिया गया, और वर्तमान में इनको न्यू डेवलपमेंट प्रमुख, बैंक प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रमुख और शास्त्री भी रही हैं, इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। नाम जरूर याद रखिएगा, डेल्मा रूसेफ। अगला प्रश्न, हाल ही में देश के पहले रेलवे केबल पुल का सफल परीक्षण किया गया, यानी इस रेलवे केबल पुल, ये निर्माणाधीन पिक्चर है, इस पर ट्रेन चली थी और इसका सफल परीक्षण किया गया, और ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर से बारामूला का जो रेल लिंक है उसको जोड़ती है, और इसमें यह किस नदी पर बना है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो नीचे जो नदी बह रही है इसके बारे में पूछा गया है, तो ये जो है अंजी नदी है, और ये किसकी सहायक नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चिनाब की सहायक नदी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक और है कि ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कटरा, जो काफी महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध भी है वैष्णो देवी के लिए, उससे जोड़ता है रियासी को,
रियासी भी हाल ही में क्यों चर्चा में था, क्योंकि रियासी जिले में ही लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं। तो विषयों को इस तरीके से जोड़कर आपको पढ़ना है ताकि कहीं से भी अगर प्रश्न बने तो आप उसको सॉल्व कर सके। तो अंजी किसकी सहायक नदी है, चेनाब की, किस नदी पर बना है, अंजी रेलखंड पर बना है, अंजी खंड ब्रिज है ये, इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है ये। अगला प्रश्न, जैव रूपांतरण बायो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हाल ही में चर्चा में थी, इसके बारे में कथन यहाँ पे दिया गया है। तो पहला, यह पॉली मटेरिया और इंपीरियल कॉलेज लंदन द्वारा सह विकसित की गई है। तो इसमें जो हमारे प्लास्टिक बैग्स है वो अपघटित होने में बहुत काफी समय लेते हैं, तो एक ऐसे पदार्थ के माध्यम से प्लास्टिक बैग्स का निर्माण किया जा रहा है जो स्व अपघटित हो जाएंगे और ये एक जैव उपलब्ध मोम में बदल जाएंगे स्वयं नष्ट होकर के, और तीसरे स्टेप में जब ये बदल जाएंगे तो उसमें तो यहाँ पे बैक्टीरियाज के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा या फंगी के द्वारा इसका उपभोग कर लिया जाएगा। उपभोग करने के बाद में क्या बचेगा, केवल पानी, CO2 और बायोमास बचेगा। तो ये तीनों ही कथन इसके बारे में सही है, यही एक प्रक्रिया पूरी यहाँ पे समझाई गई है। तो ये तीनों ही कथन इसके बारे में सही है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया यहाँ पे पूरी समझा दी। अगर वन लाइनर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आएगा कि किससे संबंधित है, तो वहां पे कई तरीके के विकल्प दिए हो सकते हैं प्रश्न में कि अनुवांशिकी से संबंधित है, तो आपको टिक करना होगा प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण, तो प्लास्टिक प्रदूषण को ये रोकती है तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, प्लास्टिक पोल्यूशन से ये संबंधित है, प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकेगी, इस तरीके के प्लास्टिक निर्माण करेगी जो उपयोग होने के बाद खुद नष्ट होने लगेंगे और नष्ट होने के बाद इनको बैक्टीरिया या फंगी खा जाएंगे और उसके परिणाम स्वरूप पानी, CO2 और बायोमास ही बचेगा। तीनों कथन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में चर्चित पाइनएप्पल एक्सप्रेस नामक वायुमंडली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, तो केवल पाइनएप्पल एक्सप्रेस भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो याद रखिएगा ये वायुमंडली नदी है। ये पहली बार कुछ लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा वायुमंडली नदी क्या है, तो ये कहाँ प्रवाहित होती है, ये अमेरिका और कनाडा के बीच में। पाइनएप्पल एक्सप्रेस जो नाम दिया गया वो अमेरिका और कनाडा के बीच में, वायुमंडली नदियां पूरे वायुमंडल में प्रवाहित हो रही है, लेकिन वहां पर जो प्रवाहित हो रही है उसका नाम पाइनएप्पल एक्सप्रेस रखा गया है। और ये एटमोस्फेरिक रिवर और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हवाई, तो हवाई से यह उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है कि जब सागर बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो सागर से काफी ज्यादा मात्रा में वाष्पीकरण होता है, वो वाष्प ऊपर चली जाती है वायुमंडल में, वायुमंडल में जो जेट धाराएं होती हैं, जो ऊपरी हवाएं होती हैं, इसको पूरे वातावरण में फैला देती हैं। यानी हालांकि ये उच्च नमी युक्त सकरा क्षेत्र होता है और फैलाने के बाद में जैसे जैसे ये पृथ्वी से ऊपर उठती जाती हैं और फैलती जाती हैं तो वहां पे जो जलवाष्प होती है वो ठंडी हो जाती है और बूंदों के रूप में परिवर्तित होने के कारण वर्षा करती है। तो काफी भारी मात्रा में वर्षा होती है, इस कारण से इसको वायुमंडलीय नदी की संज्ञा दी गई। यानी ये बादलों का वो पूरा समूह है जो कि व्यापक मात्रा में वर्षा करता है। तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस अगर आपसे पूछा जाए तो वायुमंडलीय नदी है, कोई ट्रेन वगैरह नहीं है, कि कौन से क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तो अमेरिका और कनाडा में प्रवाहित होती है, और क्रियाविधि आप इसकी समझ ही गए। अगला प्रश्न अर्थ आवर के संदर्भ में है, अर्थ आवर के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव आपको करना है। पहला, यह मार्च महीने के आखिरी शनिवार को आयोजित किया जाता है, तो ये एकदम सही है, मार्च महीने के आखिरी शनिवार को। इस बार ये पड़ा था 25 मार्च को, तो इस बार के लिए अगर पूछा जाए तो 25 तारीख याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाए तो मार्च के आखिरी शनिवार को। दूसरा, क्या किया जाता है इसमें, तो इसमें एक घंटे के लिए रात में 8:30 बजे से 9:30 बजे तक के लिए जागरूकता, ऊर्जा जागरूकता के संदर्भ में लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, जो अनुपयोगी लाइट्स हैं उनको बंद कर दी जाती हैं। जैसे कि पेरिस में जो एफिल टावर है उसकी लाइट्स एक घंटे के लिए बंद कर दी गई थी, जो गैर जरूरी लाइटें थी। तो इसको क्या किया जाता है, प्रचारित किया जाता है कि पृथ्वी के लिए ऊर्जा कितनी महत्वपूर्ण है, हम संसाधनों को ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं। दूसरा कथन है यहाँ पे, यह वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF की वार्षिक पहल है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। तो ये वार्षिक है, हर साल ही मनाया जाता है, 2007 से शुरू हुआ था और WWF के द्वारा ये किया जाता है। तो दोनों ही कथन सही है, सही उत्तर होगा 1 और 2। अगला प्रश्न, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रेबीज की रोकथाम नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा किसने प्रारंभ किया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। अब यहाँ पे पूछा गया है कि रेबीज किससे होने वाला रोग है, तो इस तरीके के स्टैटिक क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सा रोग किससे होता है, तो रेबीज जो है वो विषाणु जनित रोग है, वायरस ट्रांसमिशन होता है इसमें, और इसमें जो महत्वपूर्ण इसकी रोकथाम कारण है तो ये है कि 99% केसेस जो है वो कुत्तों के काटने के कारण होते हैं, तो अगर हम उनसे बचाव कर लें, यानी उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझ जाएं, तो नो डॉग बाइट नो रेबीज को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक डेटा ये भी हमारे सामने कि इसमें जो 40% रेबीज के जो मरीज अस्पताल पहुंचते हैं उसमें अधिकतर 15 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे ये आपको देखना होगा कि विषाणु जनित रोग है, डॉग बाइट इसका सबसे बड़ा कारण है, और ये जो
इस तरीके के पशु होते हैं उनकी लार में ये वायरस पाया जाता है, और जैसे ही वो काटते हैं तो जब मनुष्य के तंत्र में वो वायरस आ जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है और काफ़ी सीवियर जो इसके सिम्टम्स हैं वो होते हैं। इसमें मृत्यु की संभावना ज़्यादा है, लेकिन इसका टीकाकरण उपलब्ध है तो उतने बुरे रूप में ये नहीं है, लेकिन इसकी रोकथाम और नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इस कारण ये कार्यक्रम अभी शुरू किया गया है। तो सही उत्तर होगा विषाणु से फैलने वाला रोग है रेबीज। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट निम्न में कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो ये इसमें दिल्ली से लेकर के आपका गुजरात तक, ये चार राज्य इसमें बीच में, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ये चार राज्य इसमें शामिल हैं। और अरावली जो है ये ओल्डेस्ट प्लेटू रेंज है इंडिया की यहाँ पे, और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है कि अरावली के आसपास का जो 5 किलोमीटर का क्षेत्र है, इधर इस तरीके से 5 किलोमीटर दोनों तरफ, इसको हरा भरा रखना है ताकि ये ग्रेट ग्रीन वॉल के रूप में काम करे और थार मरुस्थल से जो आने वाली धूल भरी हवाएं हैं उनको भी ये रोकेगा और तापमान संबंधी चीजों को भी रोकेगा। तो उत्तर प्रदेश में कहीं से भी शामिल नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि इसमें पूछा है शामिल नहीं है। तो फॉरेस्ट बेल्ट लाइकली टू रन रफली फ्रॉम पोरबंदर टू पानीपत, तो पोरबंदर से पानीपत तक लगभग ये बनाई जाएगी। और ग्रीन वॉल विल एक्ट एज बैरियर फ्रॉम डस्ट फ्रॉम वेस्ट एंड चेक ईस्ट वार्ड मार्च ऑफ हर थार्ड डिजर्ट, तो ये थार्ड डिजर्ट से आने वाली धूल को रोकेगी। और डिजर्टिफिकेशन बाय रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड थ्रू मैसिव एफॉरेस्टेशन, और यहाँ पे जो डिग्रेडेड लैंड है यानी जो भूमि की गुणवत्ता में कमी आई वहाँ पे चूंकि वनारोपण किया जाएगा, तो इसके साथ साथ में ये डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को भी रोकेगी। तो ये था आपका अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, अभी ये हाल ही में ये शुभारंभ हो गया है इसका, पहले प्रस्तावित था अभी ये शुभारंभ हो चुका है और इसका कार्यक्रम शीघ्र ही क्रियान्वित होगा। अगला प्रश्न, द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड 2022 रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जो जारी की गई है आप देख सकते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा ये प्रारंभ की गई है। और इसमें ये बताया गया है कि स्टेट स्कूल्स में जो विकसित और विकासशील देश है वहाँ पे क्या अंतर मिल रहा है, तो विकासशील देशों में जो फूडिंग है वो किस तरीके से न्यूट्रिशियस होती जा रही है, इसके बारे में रिपोर्ट बताई गई है। और भारत में चूंकि स्कूलों में इस तरीके के अनाज उपलब्ध कराना या भोजन उपलब्ध कराना पोषण के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इसलिए रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड ये किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड फ्रूट प्रोग्राम की। मिलते जुलते ऑप्शंस, कंफ्यूज मत होइएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं हो सकता है, स्कूल के कारण शिक्षा पे मत जाइएगा, और खाद्य एवं कृषि संगठन भी इसमें नहीं है, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो ये जातीय समूह है और इनके स्थानों को काफी पवित्र भी माना जाता है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। तो ये मैक्सिको, कोलोराडो, उटा, ये सब जो है, मैक्सिको अलग देश है और बाकी जो है यूएस के प्रांत हैं, तो यहाँ पे ये होपी जनजाति का क्षेत्र पाया जाता है। तो सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में इकोमॉस के द्वारा इनके क्षेत्रों को संरक्षित किया गया है, जो इनके पवित्र क्षेत्र हैं उनको संरक्षण किया जा रहा है। हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म आपको बताने हैं। तो पहला है ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट, ये किसने जारी की है? ट्रिपल थ्रेट यूनिसेफ ने जारी की है, तो पहला सही सुमेलित है। दूसरा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023 अंकटाड, तो ये भी सही है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023। तो ये दोनों ही सही सुमेलित हैं, सही उत्तर हो जाएगा एक और दो। अगला प्रश्न आपका, एससीओ पर्यटन मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ कहाँ पे हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था और वाराणसी को कल्चरल कैपिटल भी घोषित किया गया। ये दो प्रश्न आपको हमेशा याद रखने हैं। इसके अलावा किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में चिन्हित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो G20 की अध्यक्षता के साथ साथ एससीओ की अध्यक्षता भी भारत कर रहा है, तो इसी क्रम में भारत ने वर्ष 2023 को, चूंकि पहले भी ये कहा था कि विजिट इंडिया ईयर 2023 ये टूरिज्म ईयर हम करेंगे, तो एससीओ के तत्वाधान में भी इसी को पर्यटन वर्ष माना जा रहा है। तो ये सही उत्तर होगा 2023। और जो वैसे भारत का जो पर्यटक वर्ष घोषित किया गया है उसके लिए जो थीम रखी गई है, अतिथि देवो भवा, इनक्रेडिबल इंडिया देखने के लिए, विजिट इंडिया ईयर 2023। तो ये थी आज की 15 प्रश्नों की श्रृंखला। वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल प्रशासनिक गुरुकुल, ताकि आगे भी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके लिए आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा। और आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।